डू यू नो कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया का द मोस्ट लिविंग पर्सन यानी कि सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान कौन है? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सूरज हमारा सन से भी बड़ा एक स्टार है तो क्या आप मानोगे? इस वीडियो में आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, आपने नॉर्मली सुई में धागा डाला हुआ तो देखा ही होगा, जी हाँ वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मगर क्या आपने कभी यह सोचा है कि माइक्रोस्कोप के अंदर सुई में धागा डाला हुआ कैसा लगेगा? चलिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। यह इमेज देखिए, यह एक निडल है जिसके अंदर थ्रेड डला हुआ है। कितनी ऑसम लग रही है ये इमेज, और ये एक बहुत ही फेमस पिक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी पाइप के अंदर होल करके उसमें एक रस्सी डाल दी गई हो। आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 9, आपने रात के समय नॉर्मली स्टार्स तो देखे ही होंगे, और आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार कौन सा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि ये अर्थ सन के सामने कितना छोटा सा लगता है। मगर क्या आपको ये पता है कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा स्टार भी है जिसके सामने सन भी पीछा पड़ जाता है। आप ये इमेज देखिए, ये एक स्टार है और इसका नाम है UY स्कूटी, और आप देख सकते हैं कि इसके सामने सन कितना छोटा सा लग रहा है। और ये इमेज भी 4x जूम करी गई है ताकि आप सन को सही से स्केल कर पाए। ये देखिए पूरा इमेज, और इसमें देखिए सन कितना छोटा सा दिख रहा है। ये रहा, ये जो आपके एरो दिख रही है ना, यही है सन। अमेजिंग, ये स्टार कितना ह्यूज है ना। फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो मार्केट से बनाना लेने जाते हो वो रियल नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो जो आप सॉफ्ट और बिना बीज का बनाना खाते हो ना, वो रियल नहीं है। ये पिक देखिए, ये होता है एक रियल बनाना जिसमें काफ़ी मोटे मोटे सीड्स होते हैं, और ये खाने में काफ़ी टाइट होते हैं। और वो जो आप सॉफ्ट वाला बनाना खाते हो ना, वो कई जनरेशन ब्रीडिंग करने के बाद उगाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपने नॉर्मल ग्लासेस तो देखे होंगे जिनमें आपका चेहरा दिखाई देता है, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ऐसे ग्लासेस म्यूजियम में लगे होंगे तो हमें अंदर की चीज़ नहीं दिखेगी ना सही से? तो इस चीज़ का सॉल्यूशन भी है म्यूजियम वालों के पास। ये वाले इमेज देखिए, ये एक नॉर्मल वर्सेस म्यूजियम ग्लास है, और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ग्लास में अलग रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और म्यूजियम वाला ग्लास कितना क्लियर है। म्यूजियम वाले ग्लास में आप छोटी से छोटी रखी चीज़ बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। दैट्स अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि हम यानी कि इंसान एक साल में कितनी बार सांस लेते हैं? इसका एक टेक्निकली सीधा सीधा आंसर है कि एक इंसान एक साल में 50 लाख बार सांस लेता है। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है ना। फैक्ट नंबर 5, आपने नॉर्मली वाटरमेलन तो देखा ही होगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। बट ये इमेज देखो, ये आपको क्या लगता है, छोटा छोटा वाटरमेलन? नहीं, इसका नाम है क्यूकामेलन, और ये बिल्कुल छोटे छोटे क्यूट वाटरमेलन की तरह दिखता है। और अगर आप इसे काट कर देखेंगे तो अंदर से कुछ क्यूकम्बर यानी खीरा जैसा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4, आपने नॉर्मली एंट्स को तो देखा ही होगा, ये लाल वाली चींटियाँ, इन्हें फेरो एंट्स बोला जाता है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 4 to 12 मंथ मैक्सिमम। मगर क्या आपको पता है कि एंट्स की एक स्पीशीज होती है, ये काली वाली एंट्स, जिन्हें ब्लैक गार्डन एंट्स बोला जाता है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 15 ईयर्स, 15 साल। आप सोच सकते हो 15 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑसम यार। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का जो मोस्ट लिविंग पर्सन है यानी कि सबसे ज़्यादा जीने वाला इंसान, उसकी एज कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? 100, 120, 150, 170? इतनी भी नहीं यार, द मोस्ट लिविंग पर्सन एज इज 256 ईयर्स। हाँ, इनका नाम है ली चिंग यूएन, और ये 256 यानी कि 256 सालों तक जिए थे। जैसा कि आप इस विकिपीडिया के आर्टिकल में देख सकते हैं, इनका जन्म 1677 में हुआ था, लेकिन कुछ थ्योरीज के हिसाब से इनका जन्म 1736 में माना जाता, तो उसके हिसाब से भी इनकी एज 197 ईयर्स हो गई, जो कि बहुत है। और ली चिंग यूएन के बारे में एक फैक्ट और, कि ये 72 ईयर्स यानी कि 74 साल की उम्र में इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी, और इन्होंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा था। कितनी शॉकिंग बात है कि अपने रिटायर होने की उम्र में इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 2, आपको ये बात तो पता होगी कि ज़्यादातर प्लेसेस पे दो कंट्रियों के बीच एक बॉर्डर पुट कर दिया जाता है। ये देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के बीच का बॉर्डर, और इस बॉर्डर पे एक आर्टिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग सा काम कर दिया। इनका नाम है रोनाल्ड रेल, और इन्होंने क्या करा, ये जो US और मेक्सिको के बीच का बॉर्डर है ना, इसमें इन्होंने ये सीसो को इंस्टॉल कर दिया, और आप देख सकते हैं कि जो दोनों देश के निवासी हैं ना, वो एक दूसरे के साथ सीसो पर खेलते हैं और खुश रहते हैं। अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 1, डू यू नो कि ये जो वाईफाई होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस
फिडेलिटी। अब अगर आपको कोई फ्रेंड आपसे वाईफाई मांगना है तो आप उससे बोलना, ब्रो वाईफाई नहीं, वायरलेस फिडेलिटी। क्या ये बात आपको पहले पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।